हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करने वाली हूँ ब्लॉगिंग। तो सुबह सुबह मैंने चाय बना ली, उसके बाद से मैं यहाँ पे मेरे बेटे को स्कूल जाना होता है तो जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर किचन का काम है थोड़ा बहुत, तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, सब लोग मिलजुल के काम करता है, बट आज थोड़ी तबीयत ख़राब है उन लोग की, तो मैं कर रही हूँ फटाफट। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और मेरा बेटा सुबह सुबह थोड़ा सा दाल चावल खा के जाता है, तो उसके लिए दाल चावल बना रही हूँ। फिर रोटियाँ बनेंगी और किचन वगैरह में जो बर्तन वगैरह हैं वो सब साफ़ करूँगी, तो सब आप लोग देख लीजिए। तो मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम ब्लॉगिंग भी कीजिए, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग की वीडियो शूट कर ली है। तो आज हम लोग को जाना है बाहर, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी तो क्या हुआ था वो आप वीडियो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो तब तक आप वीडियो इन्जॉय कीजिए इतना। यहाँ पे थोड़े से बर्तन तो मैं इसको साफ़ कर लिया मैंने यहाँ पे, और अभी मैं आका, ये मेरा किचन है आप देख सकते हो। तो थोड़े से बर्तन है उसको जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। अब मुझे जाना है, मतलब थोड़ा सा चेकअप कराने बाहर, तो वहाँ का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग मेरा किचन का काम कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने कुकर में आलू रखा हुआ है आलू पराठे बनाने के लिए, तो उसकी सीटी का वेट कर लेते हैं। दो तीन सीटियाँ लग गई है, एक सीटी की आवाज़ मैं आप लोग को सुना देती हूँ। तो अभी बहुत ठंडी यहाँ पर, तो मैं बाहर का नज़ारा भी आप लोग को दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए, किचन का काम लगभग कम्प्लीट है, तो चलते हैं अभी हम लोग आग तापने, जहाँ पर मेरी सासू और मेरे बच्चे लोग नीचे। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत धुंध पड़ रहा था यहाँ पे। कम से कम आज जब का ये ब्लॉग है उस दिन अब 3 डिग्री सेल्सियस तापमान था, 3 डिग्री तक तापमान था। ये हमारा घर है, हम लोग ऊपर रहते हैं और नीचे का सीन है, ये पीछे है,
पीछे थोड़ा सा बगीचा टाइप का है, तो यहाँ पे हम लोग आग सेक रहे थे। ये मेरी सासू माँ, मैं हूँ, मेरी बच्ची है, छोटी वाली बेबी है। तो अभी चलते हैं नहाने धोने वगैरह। तो यहाँ पे मैं नहा भा चुकी हूँ, फिर एक कस्टमर आ गई थी जो कि फर्स्ट टाइम आईब्रो बनवा रही हैं, तो इनका वीडियो मैंने शेयर कर दिया, आप चाहो तो वहाँ से जाके चेक कर लेना कि फ़र्स्ट टाइम आईब्रो कैसे बनाया जाता है। और इनका फर्स्ट टाइम आईब्रो था और एकदम आराम आराम से बनाइए, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। और उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको फ़र्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवाने आ जाए तो आपको कैसे करना चाहिए, तो प्लीज़ जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर थ्रेडिंग किया है इनका। बहुत सारी वीडियो गाइस, प्लीज़ उन लोग उस वीडियो को भी चेक कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे मैंने स्पीड किया हुआ है तो ऐसे दिख रहा है, वहाँ पे आप एकदम आराम से बारीकी से समझ सकते हो कि कैसे बनाना चाहिए। तो दूसरी साइड का भी थ्रेडिंग्स मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। एकदम आराम आराम से हल्के हाथों से आईब्रो बनाना चाहिए, कभी भी तेज नहीं खींचना चाहिए, स्किन पे रगड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो इनकी दूसरी साइड भी थ्रेडिंग करवा देते हैं। फर्स्ट टाइम है तो उनको समझ भी नहीं आ रहा है कैसे पकड़ना क्या है। फर्स्ट टाइम कोई थ्रेडिंग कराने आता है तो बहुत डरा डरा सा रहता है, तो आप उसको मतलब अच्छे से बात कीजिए ताकि उनको डर ना लगे। और अक्सर कस्टमर को रहता है कि पेन होगा, तो आप उनको झूठ मत बोलिए कि पेन नहीं होगा, पेन तो होगा ही, ताकि वो पहले से अपना मेंटली तैयार रहें कि पेन होने वाला है, तो आपको थ्रेडिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनकी थ्रेडिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। ओके, अब इसको मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ दीजिए। तो इनकी थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है, तो आगे की व्लॉगिंग की तरफ चलते हैं। तो ये हम लोग जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ड्राइविंग करेंगे। तो हम लोग पहुँच गए थे और हमने जगह पर चेकअप वगैरह करा लिया था, मेरे पेट में थोड़ा दर्द था तो उसके लिए हमने चेकअप किया, दवाई ले ली थी, दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो हमको बहुत भूख लग रही थी। तो एक जगह ठेले पे बर्गर वगैरह बिक रहा था, तो हमने बोला कि चलिए खा लेते हैं। तो ये हैं बर्गर बना रहे हैं भैया, और तो मैंने बोला इसका भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया जाए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और ये विकास भैया जो कि हमारी गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पे ये बर्गर रेडी कर रहे हैं, फिर हम लोग बर्गर वगैरह खा के घर चले जाएंगे। तो ये लगभग बर्गर रेडी हो गया है और अब अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। तो ये हमने खा लिया था, बर्गर रेडी हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स क्लिक कर दी थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, तो यहाँ पे हमने क्लिक की और पिक क्लिक कर ली, और यहाँ पे बकरियाँ थी तो मैंने उनके साथ भी पिक ले लिया, और ये वाला पिक मैंने कम्युनिटी में शेयर किया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, लाइक।